हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं और उम्मीद करता है आप सब भी ठीक होंगे। लेकिन मैं भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि ना सर्दी जुकाम और गले की वजह से ना मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही। सुन सकते हो आप मेरी आवाज़? तो मैं अभी उठी हूँ, बस जस्ट मुँह वगैरह धो लिया, लेकिन ना बोलने की बिल्कुल नहीं बन रही यार, गला इतना। और अभी सब सो रहा है, देख सकते हो फैलावा पड़ा है घर में, सोना उधर सो रहा है। और जो मेरा बड़ा बेटा है ना, उसका भी गला पूरा ख़राब हो रहा है, उसको रात भर से खांसी चल रही है। तो इसलिए ना अभी बस सबकी हालत ख़राब है। और मेरे तो है ना गाइस, अभी भी विक्स लगा रखा मैंने, इतना इतना सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर्दी जुकाम की वजह से। मैंने मेरे यहाँ रख दी है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर यहीं बैठ कर चाय पीती हूँ गाइस। वो ये देखो अभी पूरे रूम में ना फैलावा पड़ा हुआ है, क्योंकि तो शिप को भी मैं उठा रही हूँ। और रात को है ना हमारे यहाँ पे चूहा इतना बड़ा घुस गया था, तो यहाँ से मशीन उठाकर यहाँ पर रखी। देखो इसको पीछे से है ना पूरी काट दी चूहे ने, तो उसमें ना अपन भगाओ ना तो पीछे जाके बैठ जाता है, तो पता ही नहीं चलता। तो और फ्रिज के पीछे वो घुस गया था, यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है ना, इसमें इसमें वो घुसा ना, तो हम भाई आया था उसने हटाया ना, तो मैंने फ्रिज बंद कर दिया रात को, तो मैं फ्रिज चालू करना भूल गई। तो अभी मैंने जस्ट उसको चालू किया तो सारा बर्फ़ भी पिघल गया, और ये देखो पूरा है ना पानी भी हो गया यहाँ पे। ये देखो कितना बैठ कर पीना पड़ेगा, इसे बिस्तर उठाने लग गया है। बार बार जाएगा आएगा तो सोफे पे बैठ कर ही पी लेती हूँ। साफ़ सफाई चालू हो गई है घर की, और बाहर आया है बेडशीट वाला, मम्मी ने बुलाया है गाड़ी वाले को, तो मैं जा रही हूँ बाहर। ये देखो बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छी लगा ना बेटा, नीचे सोफों के नीचे अब कचरा है। हाँ आ रही क्या? की लंबी करो, कॉटन है क्या? गाइस मैंने ले लिया ये वाला कम्बल, जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, और रेट में अच्छे रेट में देकर चला गया। आप बता सकते हो कितने का होगा ये? बहुत ही मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये कम्बल, तो मैंने सोचा कि चलो ले लो। पुराने कम्बल है ना ऐसे हो गए बेकार। तो गाइस 12:30 बज चुका है, और तोशिब अभी गया है बैंक वापस, और अभी मेरा यहाँ का झाड़ू पोछे का काम तो हो गया है पूरा। और आप लोग मेरे कम्बल का ज़रूर बताना कमेंट में कैसा लगा आपको, मैं अभी पूरा खोल कर दिखाऊंगी। अभी मुझे थोड़ा सा काम और बढ़ गया है गाइस, यहाँ का सब झाड़ू पोछा हो गया था, और मैं बर्तन धोने आई ना तो रात जैसा काम हो गया। ये देखो बर्तन मैं जैसे ही धोने लगी ना, वैसे ही आप देखो फिर से पाइप निकल गया ये, और फिर से यहाँ पे पूरी गंदगी हो गई है। तो मुझे फिर अब है ना 2 घंटे लग जाएंगे किचन साफ करने में, वापस से फिर पूरा धोना पड़ेगा। मेरे पुराने गाने देखिए आप। अब पानी निकाल लेती हूँ फटाफट, सब गंदगी तो मैंने साफ कर दी है। और टाइम मैंने आपको बताया ना, देखो 1:30 बज गई करते करते, अभी आधा काम निपटा है मेरा। गाइस यहाँ की सब सफाई हो चुकी है, धुल गया सब दुर्गा, गेट लगा देती हूँ। तो गाइस मैं अब फ्री हुई हूँ और अब नहा कर आई हूँ, बस जस्ट अभी, और अब बना हुई चाय देखी। और चाय बनेगी इधर जब तक मैं उधर अगरबत्ती से आग लगा दूंगी, और सोना भी उठ चुका है। चाय तो मैं बना ही रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ ला दे तो शक्करबत्ती के डब्बे दे दे। और ये देखो गाइस पता नहीं क्या खारता रहता है, मुझे तो अजीब सी स्मेल लगती है इसकी। तो गाइस यहाँ चाय बन चुकी है, और यहाँ मैं बना रही हूँ थूली, तो मैं मीठी थूली बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ इसमें से ना थोड़े से लौंग निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना लौंग से ही अच्छी बनती है मीठी थूली, आप लोग भी बनाते होंगे। यहाँ
यहाँ पर अदन आ चुका है और यहाँ मैंने देखिए गुड़ फोड़ लिया है, तो सबसे पहले मैं गुड़ को पका लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर थूली बन चुकी है, मीठी थूली देखो। तो गाइस यहाँ थूली बन चुकी है और इधर मैं बनाऊंगी अभी रोटी। आटा गूंद लिया है मैंने, तो दूध भी निकाल लिया है फ्रिज में से। अभी थोड़ा सा दूध गर्म कर देती हूँ और मीठी थूली दे देती हूँ बच्चों को। तो रोटी तो बनेगी बाद में गाइस, अभी तो गर्मा गर्म थूली खाएंगे, क्योंकि मेरा तो थूली खाने का ही मन था वैसे भी। और अच्छी मलाई इसके अंदर डाल लेना तो बहुत टेस्टी लगेगी ये। तो 5:30 बज चुका है और मैं रेडी हो चुकी मम्मी के यहाँ जाने के लिए, और काफ़ी दिन बाद में जा रही हूँ गाइस। और अभी मैं सो गई थी थोड़ी सी देर, 10-20 मिनट ज़्यादा नहीं, क्योंकि ना मेरे ये आधे सर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। लेकिन मेरी बहनें आई हुई अभी उनके ससुराल से, तो कहते ना बहनों से मिलने की खुशी एक अलग ही होती है। तो मैं फटाफट उठी, तैयार हुई, सोना गाड़ी ले जाने लगा। मैंने बोला नहीं नानी के यहाँ जाना है, तो गाइस चलते हैं मम्मी के यहाँ। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर आई है और दोनों मुझसे छोटी है, तो चलो चलते हैं गाइस। और शाम का टाइम, सूरज देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ दीपावली की सफाई चली रही है अभी आंटी के यहाँ। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ बुरखा पहन के, और शेरू आ गया है बाहर, आज जल्दी आ गया हो। तो चलो रोटी रखी हुई है दिन की, उसको दे देती हूँ। हाँ देखो तो शिप को, ए अंदर मत आना, अंदर मत आना, दूंगी एक, चल उधर। हाँ उधर सर ले, खा खा ले, समझता है, खा ले। हाँ खा ले सही बात है, सही बात है। उनके बच्चे भी देख, हाँ इधर देख सोना, इधर इधर। ये स्पेशल माँ है ये, देखो ये प्रेस कर रही है यहाँ। ओहो रे इसको देखने आए हम तो, ओ आगा हम मिले नहीं तुम, मैं आई थी 2-3 बार। क्या नाम इसका? तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, अभी आई हूँ जस्ट, और अभी 7:45 बज रही है। लेकिन है ना खाने के लिए बहुत रोका था बहन ने, और मेरे साथ है ना चीटिंग कर दी है, क्योंकि मुझे ना मैसेज ही गलत कर दिया कि मैं भी आ गई हूँ। अभी सिर्फ छोटी वाली बहन आई है, जो सबसे छोटी है वो आई है अभी, जो एक और सिस्टर मेरी रहती है ना बड़ी वाली, वो नहीं आई है। तो मैं जैसे ही गई ना तो वो बोल रही मैं कल आऊँगी मम्मी, और ये आई नहीं, मम्मी लेने गई हुई है। तो चलो अब मैं फटाफट आई, तो उधर से मैं ना सब्जी लेते हुए आई, देखो तो जल्दी से गिलकी भून लेती हूँ। और मैं लेट हो गई गाइस सच्ची में, आने में खाने में भी लेट हो गई हूँ। हाँ गाइस फटाफट मैंने मसाला बनाया जल्दी से और सब्जी उघाड़ दी है, और गिलकी ना बहुत अच्छी थी ताज़ी ताज़ी, तो मैंने सोचा कि चलो गिलकी ले लेती हूँ। तो मसाला भुनाएगा जब तक फटाफट गिलकी छील लेती हूँ, काट लेती हूँ। तो यहाँ गाइस गिलकी बन चुकी है और इधर मैं भिंडी बना रही हूँ अब। तो गाइस मुझे इतना टाइम लग गया है किचन साफ करने में और सब्जी वगैरह बनाने में, भी पोछा वगैरह सब लगाया मैंने, और अब मुझे रोटी बनाना है। तो ये देखिए गिलकी की सब्जी भी मैंने बनाई और इधर भिंडी, तो माशाल्लाह सब काम अभी हो गया है। लेकिन अभी देखो मेरे कपड़े ना सारे गीले हो गए यार, मैं बर्तन वगैरह धो रही थी ना, और किचन भी इतना गंदा हो जाता है काम करते करते। तो मैंने तवा तो रख दिया है, लेकिन मैं पहले ना कपड़े चेंज करके आऊँगी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। तो गाइस रोटी बन चुकी है यहाँ पे माशाल्लाह, और अब तो गाइस अब फाइनली मैं काम से कंप्लीट हो चुकी हूँ, पूरा काम मैंने कर लिया है और अब फ्री हुई हूँ मैं। तो अब खाना खाएंगे अभी, और दोनों बच्चे तो अभी आए भी नहीं, एक का फोन आ गया और दाढ़ी सेट करवा रहा है, और मैंने अभी हाथ वाथ धोए, रोटी भी मैंने ये सही गीले कपड़ों में बना ली थी। तो अब
खाना खाएंगे। चलो और टाइम तो पता नहीं अब क्या हो रहा है, देखती हूँ। और 10:15 बज चुका है गाइस, काम करते करते सच्ची में टाइम ही नहीं मिला। कहीं जाओ ना थोड़ा सा, तो मैं इसीलिए हमेशा ना खाना ही बना कर जाती हूँ। और आज मैं ना इतनी लेट निकली घर से 5:30 बजे और मैंने खाना नहीं बना कर गई मैं, तो बहुत लेट हो गई। मुझे पता नहीं था मैं इतनी देर तक रुक जाऊँगी। खाना मैंने यहाँ पर उतार लिया और अभी हम दोनों माँ बेटे खाएंगे। तो गाइस बस खाना खाने से पहले वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करा करें। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और दुआओं में याद रखें। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना मेरा चैनल कुछ भी नहीं है। तो गाइस अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट। और दिन भर वीडियो बना बना के ना मुँह से कुछ ना कुछ निकलता रहता है।